अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम किस तरह हॉटपॉट घर में खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। कॉटन का कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए आपको ज़िप चाहिए होगी, कॉटन चाहिए होगा, और जो पाइपिंग लगानी है वो वाला कॉटन चाहिए होगा, और पोलिस्टर चाहिए होगा। पोलिस्टर जो बेडशीट में डलता है, तकरीबन 1/2 इंच का होता है, वो वाला डालेंगे। सबसे पहले जो है मैं कपड़ा ले लूँगी तकरीबन 13 साढ़े 13 इंच का, और इसको हम गोलाई में काटेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, किसी देचकी वगैरह का राउंड में ढक्कन होता है तो वो भी रख कर आप काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इंची टेप के साथ तरीका बता रही हूँ, तो आप इस तरह भी कट कर सकते हैं। 13.5 इंच का तकरीबन मैं रख रही हूँ चौरस कपड़ा, हम काट लेंगे। जो हमने कपड़ा काटा है इसको 4 तह में फोल्ड करके हम इस्त्री से बराबर कर लेंगे, और उसके बाद हम एक कॉर्नर पर हम इंची टेप को रखेंगे, और 6.5 इंच के माप पर हम इसके निशान लगाकर राउंड शेप दे लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया था इसको हम कट कर लेंगे। 4 पीस आपने इस तरह कट करने हैं। इसी तरह हम 2 पीस जो है वो पॉलिएस्टर के काट लेंगे। एक जो है वो ऊपर ढक्कन होगा और नीचे एक बेस होगी। अब हम राउंड में माप कर लेंगे कि ये कितने इंच बनता है। ये जो राउंड है वो तकरीबन 44 इंच बनता है। तो अब हमने जो चौड़ाई की पट्टी काटनी है वो 8 इंच से कम रखेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 8 इंच कम क्यों रखेंगे। ये वाली जो है इसकी मैंने हाइट ली है 3.5 इंच, और ये है 36 इंच, और ये हमने जो है इसकी हाइट जो है वो 4.5 इंच और 8 इंच की ये पट्टी मैंने काटी है। जो पट्टी हमने बड़ी रखी है वो इसलिए रखी है कि दूसरी पट्टी पर तो जिप लगेगी और उसकी वो हाइट के बराबर आएगी। अब हम जो है ये सारी सिलाइयाँ लगाकर, ये राउंड वाली शेप में पोलिस्टर लगाकर इसको मजबूत कर लेंगे, ताकि हमारा पोलिस्टर बाहर ना निकले। थोड़ा बहुत निकलेगा तो उसको बाद में हम कटिंग कर लेंगे, और डिज़ाइनिंग भी दे लेंगे, दरमियान में हम क्रॉस बना लेंगे। अब जो हमने लंबी पट्टियाँ काटी थी इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, साइडों पे भी लगा लेंगे और एक दरमियान में भी, ताकि पॉलिएस्टर अपनी जगह सेट रहे। जितने पीस थे इन सब पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जितना भी बचा हुआ पॉलिएस्टर होगा हम इसको कट कर लेंगे। अब राउंड शेप के साथ हम जो लंबी पट्टी है वो नीचे वाली बेस के साथ जोड़ेंगे। अब जो हमने थोड़ी हाइट में ज़्यादा पट्टी रखी थी उसको, और जो लंबी पट्टी थी, उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, और उसके बाद हम जो बाकी जो राउंड शेप में रह गया था वहाँ पर उसको नीचे से सिलाई लगा लेंगे।
अब हम ये ऊपर वाली पट्टी बनाएंगे 2 इंच चौड़ी और तकरीबन 16 इंच लंबी रखेंगे। इसको ऊपर वाले कवर के साथ हम अटैच करेंगे पकड़ने के लिए। पट्टी पे सिलाइयाँ लगाकर मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। अटैच किस तरह करना है ये आप देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। दोनों साइडों से हाफ हाफ जो है वो हम सिलाई लगा देंगे और दरमियान में थोड़ा पट्टी को छोड़ देंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी हम इसको काट देंगे। अब जो हमने बड़ी पट्टी लगाई थी उस पे हम पाइपिंग लगाएंगे ताकि वहाँ से जो पोलिस्टर है वो हमारा नज़र ना आए। यहाँ पर वैसे तो हमने सिर्फ अटैच करनी है लेकिन हम पाइपिंग लगाकर इसको काम को नीट करेंगे। पाइपिंग को हम अंदर से मोड़ कर अच्छे से सिलाई लगा कर नीट कर लेंगे। इस तरह आप अंदर से फोल्ड करें। ये जो पाइपिंग है ये तकरीबन मैंने 2-2 इंच की रखी थी। डबल पाइपिंग है, अगर सिंगल लेंगे तो फिर आप 1 इंच की रख लें। पाइपिंग को ऊपर रखकर और जिप को इसके नीचे रखकर हम इसके साथ जोड़ेंगे। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ऊपर पाइपिंग लगाना बताई है इसी तरह नीचे जो हमने बेस जोड़ी थी वहाँ पर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। दोनों पार्ट को आपस में जोड़कर सिलाइयाँ लगाकर और अंदर फोल्ड करके दोबारा सिलाई लगा देंगे। अब ऊपर वाले हिस्से को और जेब को इन दोनों को बाहर की साइड पर रख के हम सिलाई लगा लेंगे। इसको हम बाहर इसलिए रखेंगे कि यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है तो ये वाला हिस्सा जो है वो पाइपिंग में आ जाएगा। इस तरह आप जिप खोल के भी लगा सकते हैं ताकि आपकी जिप जो है वो आसानी के साथ लग जाए और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। इसी तरह राउंड में हम ये सारी जिप लगा लेंगे। अब जो हमने ऊपर जिप और ऊपर वाला हिस्सा जोड़ा है अब यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। सेम वैसे ही लगानी है जैसे पहले लगा चुके हैं। डबल पाइपिंग अगर आपने लगानी है फोल्ड हुई हुई तो आप 2 इंच का रख लें वरना 1 इंच का भी आपकी आसानी के साथ लग जाती है। अंदर से ये इस तरह होगा और आप इसमें कुछ भी रखकर देख सकते हैं। वैसे तो ये रोटी के लिए यूज़ होता है लेकिन आप कुछ और चीज़ें भी इसमें रख कर सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो हॉटपॉट है वो तैयार हो चुका है। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आसानी के साथ समझ आ गई है या नहीं आई। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।